कन्हैया कुमार चोर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने मुसलमान के ऊपर तो इस टाइम तो हावी ऐसा हो जाती है पुलिस के, पता नहीं ये कौन है आतंकवादी है कौन है। मोदी जी देख रहे हैं अभी तो फिलहाल। मेरे को नहीं लगता अच्छा प्रत्याशी जी, मेरे को लगता है चोर महान गुंडा आदमी है वो। मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ राहुल गांधी को। चेंज होनी चाहिए आप जी, दूसरे को मौका मिलना चाहिए आप। मतलब जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। एक ही देश तो एक ही है अपना देश हिंदुस्तान, सबसे महान हिंदुस्तान अपना। जो मतलब क्रिमिनल टाइप के थे वो सब गायब हो गए हैं। सबसे अच्छा काम तो ये होगा, हम इस चीज से बहुत खुश हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद कथा पर इस बार हम फिर से आप सभी के लिए फील्ड में आए हैं। रमज़ान का महीना पूरा हो चुका है और इस समय राजनीतिक उफानों के बीच बहुत सी उठापटक देखने को मिल रही है। जहां भारत में एक तबका ऐसा है जो इस समय केंद्र में चाहता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहीं भारत में एक तबका ऐसा भी है जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को कतई देखना नहीं चाहता। जहां लोग इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग एनडीए को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में 26 दल है और एनडीए में 38। राजनीतिक उफानों के बीच इस समय हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां अब हम नौजवानों से पूछेंगे, दिल्ली के बाहर के लोगों से, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस बार के लोकसभा चुनाव में, कि कौन मारेगा चुनावी रण में अपना मैदान। सर, इस समय राजनीतिक उफानों के बीच जहां भारतीय जनता पार्टी मुसलसल ये बात कह रही है कि हम इस बार 400 पार हो जाएंगे, वही कांग्रेस पार्टी भी हाथ बदलेगा हालात जैसे कई दफ़ा कई ऐसे किस्म के नारे दे रही, तो आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन चुनावी मैदान मारेगा? इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ चेंजिंग होने वाली है। ना सुपड़ा साहब क्या, ये तो उन्हें पता है, उन्होंने 400 पार करके पहले भी उन्होंने 300 पार कर दी जी। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। मोदी जी देख रहे हैं अभी तो फिलहाल। लेकिन इस बार तो राहुल गांधी को भी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। पहले से ज्यादा इलेक्शन में आपके जी फर्क है, थोड़ा फर्क पहले से ज्यादा है आपके जी, क्योंकि आपके जी वोट गठबंधन में ज्यादा पड़ा हुआ है, मुसलमान में हिंदू मुस्लिम का वोट पड़ा है आपके जी, कांग्रेस को भी। और वो तो पक्की बात है, जब इलेक्शन या बोर्ड जब भी खुलेंगे वो तो टाइम पे पता चलेगा कितनी सीटें किसकी आई हैं। बाकी तो उम्मीद तो देखो मोदी जी की लग रही है अभी फिलहाल तो। हाँ, आप दिल से किसको सपोर्ट करते हैं, आप किसको वोट देने? मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ राहुल गांधी को। जी जी। लेकिन जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स इस बार चुनावी उसमें उतारे, तो आपको क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दिल जीत सकेगी? दिल की क्या बात है इसमें, अब जो वो तो टाइम टाइम की वक्त वक्त की बात होती है। अब आदमी मुसलमान तो देखो खुल के बोल नहीं सकता इस टाइम, क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो इस टाइम तो हावी ऐसा हो जाती है पुलिस के, पता नहीं ये कौन है आतंकवादी है कौन है इस तरीके की पुलिस। लेकिन जैसे हमारे कैमरामैन भी मुसलमान हैं और हमारे तो ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं व्यूअर्स हैं वो भी मुसलमान हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने उन मसलों पर भी काम किया जो भारत में 1947 से अधूरे थे, तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इन धर्म इस धर्म की राजनीति से मजहब की राजनीति से ऊपर उठकर कुछ कर सकेगी देश के लिए? अगर धर्म की राजनीति अगर ये छोड़ दें और अगर मोदी जी धर्म की राजनीति, अगर जैसे बीजेपी सरकार है ये धर्म की राजनीति तो खेली रही है जब से 2014 से इनकी सरकार आई है, मगर अगर ये मोदी जी ये इस चीज़ को सोचते कि मुझे धर्म की राजनीति अगर नहीं खेलनी है और अगर ये सोचते कि मुझे इस तरीके से चलना चाहिए देश को मिलकर लेके चलना चाहिए था देश को, तो ये समझ लो मोदी जी कभी आने वाली सत्ता में कभी किसी भी टाइम ज़्यादा सरकार जाती ही नहीं इनकी, क्योंकि ये धर्म की राजनीति ना भी खेलते तो भी। तो ये जिस तरीके से इन्होंने काम करा है और ये काम कर रहे हैं उस हिसाब से मुसलमानों के दिल में तो हल्की सी कसक तो रहेगी कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम करा है हल्का फुल्का, मगर अब यह है कि मुसलमान तो इस टाइम हर तरफ से दबाया जा ही रहा है। इस टाइम कोई खुल के बात कहना नहीं चाह रहा, कोई अपनी बात पक्ष के आगे रखना नहीं चाह रहा, अगर कोई अपनी बात अगर पक्ष के आगे रखना भी चाह रहा है मुसलमान तो उसे एड या तो पुलिस दबा ले रही है या जेल में बंद कर देती है, वह ये दो ही काम हो रहे हैं इस टाइम। चेंज होनी चाहिए आप जी, दूसरे को मौका मिलना चाहिए आप। मतलब जनता बदलाव चाह रही है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। लेकिन जहां पर धर्म की राजनीति की बात हो तो कांग्रेस पार्टी पर भी कई बार ऐसे आरोप लगते, जैसे पी वी नरसिम्हा राव पर आरोप लगा था कि बाबरी मस्जिद इन्हीं के द्वारा गिरवाई गई, इसके अलावा जगदीश टाइटलर पर आरोप लगा था कि सिखों के रक्तपात पर जगदीश टाइटलर का नाम था, तो कांग्रेस भी कई बार आड़े हाथ ली जाती है धर्म की राजनीति पर, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है? इस टाइम कांग्रेस ही नहीं है, ये एक गठबंधन चल रहा है, ये गठबंधन है, ये गठबंधन में इसका मतलब ये निरा कांग्रेस ही नहीं है इस टाइम, सबकी गठबंधन से सब सरकार बनेगी तो उसमें क्या रहता है, उसमें मिली जुली सरकार दबाव में रहती है, निरा एक कई वो नहीं। अब मैं सपोज करो मैं कहता हूँ राहुल गांधी आ जाए तो फिर वो भी सत्ता में आन के जब बैठ जाएंगे वो भी फिर अपनी उनकी लाठी होगी, वो भी जैसा चाहे वैसे करेंगे, लेकिन
परिवर्तन में जब हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, गठबंधन की जो होती है उसमें दबाव में रहती है, दबाव में जब रहेगी तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी आदमी कुछ भी गलत करना चाह रहा है सत्ते में तो अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकता। पे भी तो कुछ होना चाहिए, बेरोजगारी पे बिल्कुल चरम पे बेरोजगारी, बताओ कहाँ क्या है, कुछ हुआ है पूरे ऐसे मान लो जो भी टाइम निकल गया मंदिर मस्जिद इन चीज़ों पे निकल गया। मतलब ऐसा है 2014 के बाद से ये ऐसे हिसाब हुआ है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान ही हो रहा है, उसके अलावा कुछ टीवी पे देखो तो वो ही आता है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान। भाई ये कहना चाहे तो उसकी बात होने नहीं देते, उसकी बात उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। आपका क्या कहना है कि देश के अंदर आज मुद्दा धर्म का ज़्यादा है, लोकतंत्र का ज़्यादा है या फिर बेरोजगारी और महंगाई? बेरोजगारी और धर्म। तो आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा में कौन मैदान मारेगा? मोदी जी मारेंगे। ऐसी कोई खास वजह जिस वजह से आप कह रहे हैं कि नरेंद्र? अपोजिशन है कोई नहीं, जैसे इंडिया अलायंस में तो इंडिया अलायंस का है, कहीं है इंडिया अलायंस? दिल्ली में 4 और 3 सीटों के अलावा कहीं एक साथ लड़ रहे हैं वो? कहीं नहीं लड़े। कन्हैया कुमार चोर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने मेरे को नहीं लगता अच्छा प्रत्याशी, मेरे को लगता है चोर महाज गुंडा आदमी है वो, मेरे को लगता है। उसके पास सपोर्टर्स हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अच्छे काम करे, वो उसकी हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है ना, मेरी तो मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस दावा जरूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हर आदमी जो उतरा है मैदान के अंदर जीतने के लिए उतरा है, कौन कहेगा? मोदी जी कभी कहेंगे नहीं मैं 399 आएंगे, नहीं कहेंगे ना। ऐसी जो 300 सीटों पे लड़ रही है कांग्रेस और वो कह रही है मैं मेजॉरिटी ले आऊँगी, आपको लगता है आएगी? ऐसा लग रहा है कि कुछ फिलहाल तो ये है कि सीटें तो कुछ ज़्यादा पहले से ज़्यादा कांग्रेस अब कैसी ला सकती है, मगर फिलहाल तो अभी तो ये है कि फिलहाल तो सामने से चेहरा मोदी जी का ही दिखाई दे रहा है। कह दिया ना 400 पार, क्या हमें ईवीएम से चुनाव कराना ही नहीं है तो ईवीएम को रखी क्यों रहा हो आगे? मेरी बात ये नहीं समझ में आती। सीधी सीधी बात ना, प्लेट पेपर से इलेक्शन कराओ ना, सीधी सीधी बात मैं तो ये जानता हूँ, जब तुम्हारा जब पब्लिक को पसंद ही नहीं है ईवीएम तो सीधी सीधी बात है प्लेट पेपर से इलेक्शन कराओ, क्या दिक्कत है इससे? भारत की जनता को पूरी जनता की मांग ये कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है कि 400 पार, तो एक बार ब्लेट पेपर से भी चुनाव हो जाने चाहिए। एक बार ब्लेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे, उसमें क्या है? जो लोग बार ये कह रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ी है, कल्ली है ये, तो उनका भी भ्रम दूर हो जाएगा। फिर तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। फिर तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ बाकी में ही मामला इनका मतलब एक तरफ ही हैगा। लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति जहाँ मोदी जी कर रहे हैं वहाँ एक तरफ ओवैसी भी कर रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं, तो ओवैसी पर आपको क्या कहना? हमें ओवैसी के बारे में पूछना नहीं, हम तो यूपी की बात करो, हमसे तो सीधी सीधी बात, हमें यूपी से ओवैसी से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो यूपी से मतलब है अपनी। यूपी में हमारा क्या हो रहा है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यूपी के अंदर है नहीं है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी यूपी में सबसे ज्यादा, उससे हल्का हल्का हम सब में बेरोजगारी फैल रही है इस टाइम। समझ लो देश तो एक ही है, एक ही देश तो एक ही है अपना देश हिंदुस्तान, सबसे महान हिंदुस्तान है अपना। जो सहूलियत अपने हिंदुस्तान के अंदर है, जितनी सुकून की सांस है अगर लोग ले रहे हैं, इससे बेहतर कोई देश है भी नहीं, सबसे प्यारा देश अपना है। हाँ बस सही कर रहे हैं, वैसे बराबर नहीं होती, 370 हटाया मोदी जी ने, वो भी सही सही काम है, 370 हटाया और बाकी बहुत से काम ऐसे मोदी जी के क्या है जो मतलब क्रिमिनल टाइप के थे वो सब गायब हो गए हैं। सबसे अच्छा काम तो ये होगा, हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं मोदी जी के, हम इस सरकार के अंदर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं। किस चीज़ से? कि जो क्रिमिनल थे, बदमाश थे, दबंग लोग के टाइप थे, वो उनका पता ही नहीं है कहाँ पर हैं, वो गायब हैं बिल्कुल, उनका पता ही नहीं है। इस सरकार में सबसे अच्छा ये हुआ है। हम तो बहुत कुछ किया, जैसा मेरे को पैसे पहले लगता है डिफेंस, जो डिफेंस को बहुत डेवलप किया हो मेरे नज़र में, वो मेरे को अच्छा लगता है। जो डिफेंस को बहुत हाई लेवल में लेके गया, पहले क्या था सरकार का अंडर में, जो पहले सरकार था उसको गया किधर भी कुछ फाइट होगा तो बहुत रूल्स चलता था। अभी मोदी जी डिफेंस का पूरा हाथ खोल दिया, आपको क्या मन चाहे वो करो, बस यही सबसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, डिफेंस को बहुत और डेवलप कर रहा है और डेवलप करने का कोशिश में है वो, यही मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, डिफेंस की आपने बात करी, सर आप कलकत्ता से? कलकत्ता से। सर कलकत्ता का आपने नाम लिया, तो अभी कूच बिहार में भी कई किस्म की हिंसा देखने को मिली, अभी किस राज्यों में चुनाव हुए, तो आपको क्या लगता है इन सब के बीच टीएमसी, जहां पर ममता दीदी ये कह रही हैं कि आप टीएमसी को ही वोट दें क्योंकि सीपीआई कांग्रेस ये सब बीजेपी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा में कौन चुनावी मैदान?
लोकसभा में कलकत्ता में बोलेगा तो मेरा ख्याल से आधा आधा होने का चांस है। अच्छा। मतलब कितना जो 42 सीट है उसमें 22-22 ऐसा होने का चांस है। लेकिन मोदी जी भी अभी पीएम का चुनाव बोलेगा तो पूरा आदमी सपोर्ट करेगा मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी जो हम लोग के लिए जो कर दिया, अयोध्या में राम मंदिर इतना बड़ा मंदिर एस्टेब्लिश कर दिया, अभी हम लोग को उधर जाके देखने के लिए बहुत कुछ अच्छा है। मतलब इतना साल से जो राम मंदिर नहीं था, अभी राम मंदिर बनाया, 500 साल पुराना इतिहास, हाँ वो बिल्कुल तो रचाया इतिहास। बाद में और क्या कर दिया, जो ब्लैक मनी बहुत पुराना से ब्लैक मनी जो अटक करके रखा था आदमी लोगों को छुपा छुपा के वो पकड़ के अभी सामने आ रहा है ना, बहुत अच्छा से वो अच्छा है। अभी ऐसा होगा तो हम पीएम के लिए तो चुनाव करेगा तो हम मोदी जी को सपोर्ट करेगा, लेकिन हमारा स्टेट के लिए करेगा तो हमारा दीदी को सपोर्ट करेगा। अच्छा, ममता दीदी पे कई बार ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ममता दीदी जो है वो सांप्रदायिकता फैला रही हैं बंगाल के अंदर, ममता दीदी बांग्लादेशियों को कई किस्म की पनाह दे रखी है ममता दीदी ने, तो इसमें कितनी सच्चाई? इसमें पूरा हमारा ख्याल से पूरा झूठ है, क्योंकि वो दूसरा पार्टी ऐसा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अगर हम ऐसा देखेगा तो हम वेस्ट बंगाल का है, हम दूसरा किधर स्टेट में जाके काम करेगा ना, तो काम तो करना पड़ता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में भी दूसरा किधर से आदमी आके काम कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है, वो दूसरा जो पार्टी है वो दांगा गोष्ठी द्वंद लगा रहा है। मतलब हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो अलग से मतलब हमारा पूजा पाठ में वो ऐसा हो रहा है, उसका पूजा उसका मंदिर में मस्जिद में हम जाएगा तो ऐसा कुछ करके पॉलिटिशियन उसका फ़ायदा लूट रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, वो बांग्लादेश वाला भी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमारा पास जो प्रूफ है आधार कार्ड, वो बांग्लादेश से इधर आके कैसे आधार कार्ड बना देगा, कुछ प्रूफ तो नहीं होगा ना, तो ऐसा पूरा झूठ है। वाला हम रामपुर के हैं, हमारा आजम खान खास, हम खब ज़्यादातर आजम खान को चुनते हैं हम अपने, मगर हमारे जो आजम खान हैं उनका वो हाल कर दिया है, सिर्फ बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी में ऐसे जेल में डाल दिया जैसे पता नहीं कि क्रिमिनल, बहुत ही बड़ा वाला क्रिमिनल है ये, मगर उनके ऊपर क्या पढ़ा लिखा आदमी, डिग्री मिला हुआ आदमी, वकील आदमी, कितना प्यारा आदमी है वो। रामपुर में उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कूल बनवाए, सबसे ज़्यादा उन्होंने रामपुर को चमकाया, उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास रामपुर के अंदर करा है। उन्होंने एक काम ये करा है, उन्होंने उनकी गलती ये हो गई कि उन्होंने बच्चों के हाथ में कलम दे दी, उनके हाथ में बंदूक देते ना तो वो भी जेल में नहीं होते, क्योंकि जिसके हाथ में अगर कलम दे दो तो वो तो सबसे ज़्यादा पहले जेल में बंद है, और जिसके हाथ में हथियार दे दो तो वो साला बाहर भी रहा है। उल्टा हिसाब चल गया इस टाइम, अंधा कानून है, कोई कहाँ किसी को सुनिया, ये बताओ तुम मुझे। अब आजम खान साहब हैं, अब उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई थी इतनी बड़ी, यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा बवाल हो रहा है कि अरे ये ऐसी बनवाई थी और ये है, उनके ऊपर तो उन्हीं के आदमियों ने उनको पीछे खंजर खोपा है, उन्होंने उसमें बंद करा। हम यूपी से हैं लेकिन हमने दिल्ली की जनता से ये सुना है कि केजरीवाल टॉप 10 की सरकार चलाएं, नंबर 1 की सरकार, अच्छा जिसके मुंह सुनते हैं अच्छा, लेकिन इतना अच्छा करने के बाद में सरकारी स्कूल यहाँ के ऐसे करा दिए कि जो प्राइवेट हैं उनसे भी अच्छे करा दिए, गरीब बच्चों के पढ़ना है, मोहल्ला क्लिनिक हो गई, बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, हमें क्या चाहिए भाई, और हमें पैसा नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, हमें सिर्फ ये सुविधा मिल रही है, यही बहुत हमारे लिए है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो जेल में बैठ पड़े हुए हैं इस टाइम, उन्हें भी जेल में रखा तो फिर क्या होगा बताइए। लेकिन मुख्यमंत्री ने जैसे ये सुविधा दी स्कूल की, हॉस्पिटल्स की, वही मुख्यमंत्री ने एक सुविधा ये भी दी कि मंदिरों के बगल में शराब खाने खुलवा दिए, मस्जिदों के बगल में शराब खाने खुलवा दिए, जो जिस लिकर स्कैम की वजह से वो जेल में गए। तो ये जो शराब की बिक्री, ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ लिकर का, शराब का, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, मंदिर या मस्जिद के बराबर से शराब की दुकानें खुल गई हैं, सपोज करिए अगर और कहीं पर खुलती तो वहाँ पर किसी का घर है, किसी के घर के बराबर में खुल रही है, नहीं खुल रही है शराब की दुकान, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हमने मुस्लिमों के घरों के बराबर से दुकानें खुली देखी, हमने हिंदू भाइयों के घरों में दुकानें देखी हैं। कुछ समय बाद बंगाल कश्मीर बन जाएगा, इस पर आपको ऐसा नहीं है, लेकिन बंगाल का अभी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कौन सा स्टेट का स्थिति अभी अच्छा है आप बोलिए, पूरा स्टेट ऐसा खराब है। लेकिन पहले आएगा तो अगर सेंट्रल में भी बीजेपी रहेगा, हमारा स्टेट में बीजेपी रहेगा, कुछ भी अच्छा होगा नहीं है। एक आदमी बड़ा आदमी है, उसका कुछ विरोधी रहने का, मतलब अपोजिशन एक रहने का, तभी हमको ये चाहिए, हम लड़ सकते हैं, दोनों मिलके रह जाएगा तो उसमें कुछ नहीं होगा। इसीलिए
हमारा दीदी पहले कुछ भी होने से दीदी पहले अगेंस्ट खड़ा होगा बोल के, और दीदी के नाम में ऐसा हो रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, बैंगल का स्टेज खराब है। मानिए इतना राज्य है तो दीदी का नाम पहले क्यों आता है? उसका पावर है, कुछ लड़ने का कुछ तो पावर है, नहीं तो फास्ट में कैसे आ जाएगा? दीदी 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 सभी जिला रहा है, दीदी है, दीदी है, मतलब क्या उसका कुछ पावर है? बिना और भी चीफ मिनिस्टर है ना, उन लोग का नाम क्यों नहीं आ रहा है? तो ये क्यों आ रहा है? उसका कुछ तो है पावर। अच्छा सर, हमारे तमाम नाज़रीन आपसे एक आखिरी सवाल का जवाब ये जानना चाहेंगे कि ममता दीदी ने बंगाल में ऐसे क्या काम करे जिस वजह से आप कह रहे हैं कि ममता दीदी बंगाल में ही आप उनको वोट देंगे, ममता दीदी ही यानी बंगाल के अंदर और केंद्र में मोदी जी रहने चाहिए? एक बार हमारे तमाम नाज़रीन को आप ये बताएं कि ममता दीदी ने कैसे अच्छे काम करे बंगाल के अंदर, कौन कौन से काम? ममता दीदी ने सबसे पहले जो काम कर दिया वो है कन्याश्री प्रकल्प। कन्याश्री बोलेगा तो हम लोग का अभी लड़की लोग का पढ़ाने के लिए जो पैसा का जरूरत होता है, तो आदमी लोग क्या सोचता है लड़की है उसको तो शादी कराएगा तो दूसरा का घर में जाएगा, मैं उसको क्यों स्टडी कराएगा? लेकिन दीदी ने क्या कर दिया, उसके लिए एक प्रकल्प चालू कर दिया, उसको 20,000 रुपया मिलेगा अगर टेंथ पास मतलब एंटर का बाद में जो प्लस 1-2 जब जाएगा उसके लिए दीदी ने पैसा दे रहा है। और एक है, और एक बड़ा बात है जो हम ये कर दिया, मतलब एक लड़की को शादी कराने के लिए जो खर्चा वगैरह होता है वो दीदी ने वो भी रूपश्री प्रकल्प लगा के वो भी रख दिया। और एक है, हमारा घर में छोटा बच्ची होगा, मतलब अभी आदमी लोग का माइंड में क्या है हमारा घर में लड़का होने का, लेकिन लड़की होने से भी दीदी ने एक सुकन्या प्रकल्प बोल के एक प्रकल्प चालू किया पोस्ट ऑफिस में। वो हम कितना चाहिए हमारा जो इनकम है उसमें से हम 100-200 कितना भी रखेगा वो लड़की का 18 ईयर्स होने के बाद हमको वो सूद मिला के डबल आएगा उसको शादी कराने के लिए, नहीं तो पढ़ाने के लिए हमारा हाथ में आएगा। दीदी ने वो प्रकल्प चालू किया, बहुत अच्छा किया। अभी का ज़माना में क्या है, थोड़ा पैदल जाके काम करने का बोलेगा वो आदमी लोग जाएगा नहीं है, वो बच्चा लोग थोड़ा स्कूल दूर में रहता है, स्कूल में जाने के लिए पैदल जाएगा तो नहीं हमको साइकिल में छोड़ के आ जाओ, बाइक में छोड़ के आ जाओ। उसके लिए भी दीदी ने 8 क्लास के बाद साइकिल देना चालू कर दिया वो पढ़ने के लिए, तो दीदी ने बहुत अच्छा मतलब काम कर दिया। तो इसीलिए और भी कुछ काम है लेकिन इसीलिए हम दीदी को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसे लोगों की बातें जो भारत के विविध शहरों से विविध क्षेत्रों से आए थे और उन लोगों ने बताया कि इस मर्तबा उनके अनुसार लोकसभा के चुनावी रण में कौन मैदान मारेगा। हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों से बात करी, हमने यहाँ पर कलकत्ता के कुछ लोगों से बात करी, यहाँ पर दिल्ली के भी एक सज्जन से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में उनके अनुसार इस बार कौन सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा। दोस्तों ये थी कुछ जनता की बात है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने सपोर्ट किया, यहाँ पे ममता दीदी को भी लोगों ने सपोर्ट किया, और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर इंडिया अलायंस को भी लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन दोस्तों जनता जनार्दन है, अब देखना ये होगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी या इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि वास्तव में हालात बदलेगा या इस बार इंडिया अलायंस का सुपड़ा साफ होने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।